हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेजरी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट तरन्नुम, एंड जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर लेकर आते हैं आपके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस जो आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड योर बजट। तो गाइज, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा ये एक प्रीमियम सीरीज का प्रोजेक्ट है बाय द नेम मावेला ट्विन टावर, जो लोकेटेड है न्यू चंडीगढ़ में। फर्स्टली आप एंजॉय कीजिए कुछ ग्लिम्स, उसके बाद हम कंप्लीट लोकेशन पे बात करते हैं। प्रोजेक्ट है मावेला ट्विन टावर, ये लोकेटेड है आपके न्यू चंडीगढ़ में। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो वी कैन से कि ये प्रोजेक्ट आपका 0 किलोमीटर है फ्रॉम चंडीगढ़, क्योंकि ये लोकेटेड है चंडीगढ़ एंड न्यू चंडीगढ़ के बॉर्डर पे। इस साइड अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका राउंड अबाउट है, उससे उस साइड आपका चंडीगढ़ आ जाता है एंड इस साइड आपका न्यू चंडीगढ़ शुरू हो जाता है। तो वी कैन से कि ये जो आज का हमारा प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है न्यू चंडीगढ़ का फ्रॉम दिस साइड, और बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट है, प्रीमियम सीरीज का प्रोजेक्ट है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। एग्जैक्टली अगर बात करूँगी तो ये सेक्टर 2 है ऑफ न्यू चंडीगढ़, एंड ये जो आप मेरे पीछे मेन रोड देख रहे हैं ये आपका मध्यमार्ग रोड है जो फर्दर आपको कनेक्ट करता है कुराली से, सिसवां बद्दी हिमाचल से, एंड आगे ही जाके अगर आप राइट चले जाएंगे आप PR4 को PR7 को भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड टूवर्ड्स दिस साइड आप जा सकते हैं सीधा चंडीगढ़, जहाँ से आप नेक्स्ट आगे फर्दर स्टेट के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। नियर बाई प्लेसेस की अगर मैं बात करूँगी तो न्यू चंडीगढ़ की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं गाइस, जैसे कि आपका मेडी सिटी, जहाँ पे आपका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, चैतन्या हॉस्पिटल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं आपकी एजुकेशन सिटी की, उसके बाद बात करते हैं आपका जो यहाँ पे कमर्शियल्स हैं वो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, एंड अगर बात करें जाने माने प्रोडक्ट्स की तो बहुत ही रेपुटेटेड ब्रांड्स यहाँ पे हैं न्यू चंडीगढ़ में, जैसे आपका DLF हो गया, ओमेक्स हो गया, तो यहाँ से आप इस एरिया के डेवलपमेंट का आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड आपको दिखाने जा रही हूँ मैं हमारे प्रोजेक्ट का कंप्लीट मॉडल, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरीके का रहने वाला है। आइए चलते हैं। सो गाइज, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आर प्रोजेक्ट, एक बार आप देखें आराम से। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल डिजाइनिंग इज दिस। सो डिटेल में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप ये रोड देख रहे हैं, ये है आपका मध्यमार्ग रोड जो आपको लेके जाता है टूवर्ड्स कुराली, टूवर्ड्स न्यू चंडीगढ़, फर्दर जो आपके एरियाज आ जाते हैं टूवर्ड्स सिसवां बद्दी हिमाचल, PR4 को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से PR7 को कनेक्ट कर सकते हैं आप सीधा जाके। एंड इस साइड की अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका पॉइंट आ जाता है इसके आगे आपका चंडीगढ़ शुरू हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है ऑफ न्यू चंडीगढ़ लोकेटेड इन सेक्टर 2। सो कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग पूरे प्रोजेक्ट की रहने वाली है। फ्रंट में आपका कमर्शियल आ जाएगा, पीछे आपके रेजिडेंशियल टावर्स रहेंगे। मेनली अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट के 2 मेन एंट्री एंड एग्जिट गेट रहेंगे। फर्स्ट वन आ जाएगा आपका जो आपको लेके जाता है टूवर्ड्स योर टावर्स, जहाँ से आप अपने फ्लैट के लिए एक्सेस कर सकते हैं, एंड सेकेंड वन ये रहेगा आपका जो आपको लेके जाता है टूवर्ड्स योर कमर्शियल एरियाज, जो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ, जो आपको फ्रंट में यहाँ पे बूथ्स दिख रहे हैं ये आपका कंप्लीट एरिया बन चुका है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी आपको एक लुक दिखाया था। उसके पीछे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ये पूरा मॉल आ जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी, आपकी रिटेल शॉप्स रहेंगी, आपका PVR आ जाएगा, रूफ टॉप पे आप यहाँ पे रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा देख सकते हैं। साइड में ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये आपका होटल रहने वाला है, तो डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें कि आपका जितना भी कमर्शियल रहेगा उसमें आपका एश्योर्ड रेंटल इनकम मिलेगा आपको टिल द टाइम ऑफ पोजेशन। एंड आफ्टर दिस हम बात करेंगे हमारे टावर्स के बारे में। तो ये जो आप टावर्स देख रहे हैं पीछे ए एंड बी आपके रेजिडेंशियल टावर्स रहेंगे, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे, 5 आपको लिफ्ट्स प्रोवाइड की जाएंगी, एंड सेंटर में जो आ जाएगा आपका स्काई वॉक रहने वाला है। पूरा अगर मैं बात करूं उसका तो 33 फ्लोर्स आपके रहने वाले हैं, जिसमें जो आपकी पार्किंग रहेगी प्रोजेक्ट की वो डबल बेसमेंट पार्किंग आपको मिलने वाली है। यहाँ पे जो क्लब हाउस रहेगा वो भी आपके टावर में ही इंक्लूडेड रहेगा, जिसमें आपको डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। सो ये था कुछ हमारे
सारे प्रोजेक्ट का लुक, जिसमें आपको एमिनिटीज भी बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे कि आप ग्रीन स्पेस यहाँ पे देख सकते हैं, पार्क्स आपके यहाँ पे काफी सारे बनाए गए हैं, ग्रीनरी का काफी अच्छा ध्यान रखा गया है। जो आपकी जो फ्रंट साइड वाले अपार्टमेंट्स हैं ये आपके मोरनी हिल फेसिंग रहेंगे एंड जो बैक साइड वाले हैं ये आपके बैक फेसिंग रहेंगे। तो काफी ब्यूटीफुली डिजाइन करा है, प्रीमियम सीरीज का प्रोजेक्ट आ जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं एंड मैं आपको लेके चलती हूँ इसके सैंपल अपार्टमेंट की तरफ जो आपका 5 BHK रहने वाला है। एक और चीज मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे आपको सिंगल इन्वेंट्री इस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड की जा रही है जो आपका 5 BHK। तो गाइस इससे पहले कि मैं आपको सैंपल में लेके जाऊँ, मुझे ये जरूरी लगा कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट एक बार दिखाऊँ कि जो कंस्ट्रक्शन है वो कितने लेवल तक पहुँच चुकी है। अभी ये जो एरिया है ये हमारे बूथ्स का टेरेस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो आपके बन चुके हैं ऑलरेडी। देन आपका यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एरिया, ये आपका मॉल का साइट रहने वाला है जिसमें आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें आपका एश्योर्ड रेंटल इनकम रहने वाला है। कंप्लीट आपका 10 एकड़ का साइट है जिसमें जो कंस्ट्रक्शन यूज़ की जा रही है वो मेवान कंस्ट्रक्शन है जो आजकल ट्रेंडिंग में है, आप जानते ही होंगे, जिसमें आपका ब्रिक्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता, आपका सारा कॉन्क्रीट यूज़ होता है एंड कॉन्क्रीट की ही कंस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद आप पीछे देख सकते हैं एक टावर का जो आपका रेजिडेंशियल टावर है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है एंड सेकेंड वन उसके ऑपोजिट साइड में वहाँ पे देख सकते हैं आपकी डिंगिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो वहाँ पे आपका सेकेंड टावर आएगा। तो कुछ इस लेवल की कंस्ट्रक्शन आपकी हो चुकी है टिल दिस टाइम। अब आइए चलते हैं हमारे सैंपल में, आपको ज़्यादा वेट नहीं कराती हूँ, सैंपल दिखाती हूँ, आइए। सो गाइज आपके फ्लैट का जो लॉबी एरिया रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, डबल हाइटेड 2 फ्लोर्स के लिए सेम लॉबी एरिया रहेगा, जिसमें बीच में आप ये आर्टिफिशियल ग्रीन पैच देख सकते हैं, ये हर 2 फ्लोर्स में आपको मिल जाएगा, ऊपर आपका शैंडलर लगा होगा, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको ये आउटर एरिया यहाँ पे मिलने वाला है। 5 आपकी टोटल लिफ्ट रहने वाली है एंड 2 स्टेयरकेस रहेंगे एक इस साइड एंड एक इस साइड। 1 फ्लोर पे आपके 4 अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं एंड जो आज मैं आपको शो करने वाली हूँ वो अपार्टमेंट है हमारा इस साइड। कुछ इस तरीके का वाइड आपका कॉरिडोर एरिया रहने वाला है, जितना साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो कॉल का फीचर रहेगा फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, आप देख सकते हैं आपके बेल कौन रिंग करता है, डोर पे कौन है एंड डोर पे भी अगर मैं बात करूँगी तो आपको यहाँ पे डिजिटल लॉक मिलने वाला है जिसको आप कार्ड से, की से, फिंगरप्रिंट से, पिन कोड से ओपन कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके का मेन डोर रहेगा, टीक वुड का डोर रहेगा, डिजाइनिंग आप देख सकते हैं काफी ही ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे मिल रही है। आइए चलते हैं अंदर। सो गाइज दिस इज द ग्रैंड 5 BHK जो आज मैं आपको शो करने जा रही हूँ, जिसके अगर मैं साइज की बात करूंगी देन इट कम्स इन 4390 square feet, जिसमें जैसे आप एंट्री करेंगे पहले तो आपका सबसे पहले यहाँ पे काफी वाइड सा फॉयर एरिया आ जाएगा, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके की डेकोरेटिव आइटम्स आप भी अपने फॉयर एरिया में रख सकते हैं ताकि आपका एंट्री पार्ट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ऊपर फॉल सीलिंग आपका लाइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुली डन है, ये भी आप देख सकते हैं। एंड आफ्टर दिस एंट्री में ही सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टोर रूम, जिसमें काफी अच्छा स्पेस मिल रहा है आपको, इसको अपना स्टोर रूम, अपना लगेज रूम कुछ भी आप बना सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा पूजा स्पेस, यहाँ पे भी आप पूजा स्पेस बनाना चाहते हैं उस तरीके से यूज कर सकते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं क्रिएटिविटी वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस मिलने वाला है आपको हर एक चीज के लिए। एंड देन इसके बाद इस साइड आ जाएगा हमारा सर्वेंट रूम, सो कुछ इस तरीके का स्पेस रहेगा, ये आपका फर्स्ट रूम रहने वाला है अपार्टमेंट का जो आपका सर्वेंट रूम रहेगा, तो इसमें भी आप स्पेस देख सकते हैं। इस तरफ आपका वॉशिंग एरिया आ जाएगा, यहाँ पे आपका वॉशरूम रहेगा, जो आपका वॉशिंग एरिया वो मैं आपको किचन से दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ से भी अटैच रहने वाला है, ड्यूल एंट्री के साथ मिल रहा है, घर के अंदर से भी एंट्री है, बाहर से भी है, प्राइवेसी के लिए भी अच्छा है। और अगर आप इस रूम को किसी और तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, लाइक ऑफिस बनाना चाहते हैं या फिर स्टूडियो टाइप कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि एंट्री आपको सेपरेट मिल रही है। सो ये था हमारा सर्वेंट रूम, अब चलेंगे आगे एंड हियर कम्स आर द स्पेशियस ड्रॉइंग एरिया। लुक एट द स्पेस गाइज, लुक एट द डेकोरेशन, लुक एट द कलर्स, मतलब कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये आप देखिए। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम सिटिंग की बात करेंगे तो आपका 10-12 सिटिंग यहाँ पे इजीली हो सकता है एंड इसी के साथ आपका बालकनी भी अटैच रहेगा जो आपका सेकेंड बेडरूम रहेगा उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, वो मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी। एंड अगर मैं बात करूँ इस स्पेस की तो यहाँ पे आपको एक हिडन पाउडर रूम भी मिल जाता है जो आपका इस साइड आ जाएगा। इसमें जैसी भी फिटिंग्स आप देख रहे हैं सारी एज इट इज रहने वाली हैं।
सो सेम एज इट इज फिटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी इस वॉशरूम में. आपका पाउडर रूम रहेगा जिसको आपके गेस्ट वगैरह यूज कर सकते हैं. बिल्कुल आपके गेस्ट एरिया जो होता है उसके साथ कनेक्टेड रहेगा. इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक मिनी बार टाइप का शोकेस रखा हुआ है. आप कुछ ऐसा भी अपने घर पे कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं कि आपको विद द परचेज यहाँ पे मिलने क्या क्या वाला है. फ्लोरिंग आपकी एज इट इज रहेगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे. फॉल सीलिंग विद लाइट्स आपका एज इट इज रहेगा. एंड वॉल पे ये जो कलर आप देख रहे हैं ये सेम रहेगा. बीच में आपका फ्रेम वर्क जो है व्हाइट कलर का वो भी आपका एज इट इज रहने वाला है. तो गाइज ये था हमारा ड्रॉइंग एरिया. अब इसके आगे यहाँ पे आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया विद एडजॉइंट किचन. तो पहले हम किचन देखते हैं फिर मैं आपको ये एरिया दिखाती हूँ. सो गाइज दिस किचन कम्स विद ड्यूल किचन कंसेप्ट जिसमें आपको विद द परचेज प्रोवाइड किया जाएगा हॉब, चिमनी, आपका रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, आपका ओटीजी एज इट इज रहेगा. जिस तरीके का आप ये किचन देख रहे हैं कंप्लीट एज इट इज आपका रहने वाला है. अगेन कमिंग टू दिस साइड यहाँ पे आपका ड्यूल सिंक आ जाएगा. ऊपर कैबिनेट्स आप देख सकते हैं, चिमनी, आपका हॉब अगेन. एंड जो आपका कुकिंग काउंटर रहेगा उसमें आपका ग्रेनाइट का यूज किया गया है व्हिच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. इसी के साथ आपका बालकनी, आपका यूटिलिटी एरिया कनेक्टेड आ जाएगा. इसमें आपको दो डोर मिल जाते हैं, एक आपका मैश डोर रहेगा, एक आपका ग्लास डोर रहेगा. बाहर आप ये ड्यूल सिंक देख सकते हैं. वॉशिंग एरिया आपका यहाँ पे रहने वाला, अपने यूटेंसिल्स वगैरह आप यहाँ पे वॉश कर सकते हैं. एंड देन इस साइड आ जाएगा आपका कंप्लीट यूटिलिटी एरिया जहाँ पे आप अपने वॉशिंग मशीन, अपना डिश वॉशर वगैरह रख सकते हैं. तो ये भी काफी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है. यहाँ से आपका सर्विंग रूम कनेक्टेड रहेगा. सो ये था हमारा किचन. आपने देख लिया किस तरीके का साइज रहने वाला है, क्या क्या आपको मिलने वाला है. फुली लोडेड किचन रहेगा. देन इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा हमारा डाइनिंग एरिया प्लस आपका लिविंग स्पेस. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो डाइनिंग एरिया में 6 सीटर ऐड किया गया है. आपका कलर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेटअप देख सकते हैं. ऊपर आपका ये लाइट आ जाएगा ब्यूटीफुल सा व्हिच इज लुकिंग वेरी वेरी एलिगेंट. एंड इसी के साथ आपका जो बालकनी रहेगा वो भी आपका कनेक्टेड रहेगा. एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका लिविंग स्पेस जिसको आप देख सकते हैं. यहाँ पे आप अपना स्क्रीन लगा के एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकते हैं. एंड इसमें भी अगर मैं बात करूंगी जो आपका फ्लोरिंग है वो एज इट इज रहेगा. वॉल आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. जो आपका फ्रेम वर्क है यहाँ पे ये यह आपका सारा एज इट इज रहने वाला है. ऊपर आप ये जो लाइटिंग वगैरह देख रहे हैं ये भी आपकी सेम एज इट इज रहेंगे. सो गाइज ये थे हमारे आउटर पार्ट्स, आर ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, हमारा लिविंग एरिया, आपको सर्वेंट रूम भी दिखा दिया है. अब चलते हैं हमारे बाकी 4 रूम्स की तरफ जो आपके मेन रूम्स रहेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा बेडरूम है वो उस साइड आ जाएगा. आइए दिखाते हो आपको. सो गाइज दिस इज आर सेकेंड बेडरूम जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे. सेम जैसे मैंने आपको बाहर भी बताया कि रूम में आपका जो वॉल है इस पर आप फ्रेम वर्क देख रहे हो, ये आपका सारा एज इट इज रहने वाला है. ऊपर फॉल सीलिंग आपका एज इट इज रहेगा. वॉशरूम आपका कंप्लीट रहेगा. बाकी जो ये जो मूवेबल आइटम्स आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे आपका टीवी हो गया, आपका बेड हो गया, ये सारा एज इट इज नहीं रहेगा. एंड कमिंग टू दैट साइड यहाँ पे ये जो आप कबर्ड देख रहे हैं सेम एज इट इज आपका ये पूरा एरिया रहने वाला है. बीच में आप ग्लास देख सकते हैं यहाँ पे एंड नॉर्मल डोर्स के साथ भी आ जाएगा. लेआउट की अगर मैं बात करूंगी तो वो भी काफी अच्छा आ जाएगा. फिटिंग्स की बात करूंगी तो पूरे ही फ्लैट में आपकी जो फिटिंग्स रहने वाली हैं वो आपकी प्रीमियम फिटिंग्स रहने वाली हैं. अब वॉशरूम भी एक बार आपको अंदर से दिखा देती हूँ. वॉशरूम में आपका बेसिन, योर वैनिटी, योर लुकिंग मिरर, पार्टीशन, ये सारा आपका एज इट इज रहेगा. आपका गीजर, एग्जॉस्ट आपको विद द परचेज प्रोवाइड किया जाएगा. एंड देन इसी के साथ हमारी बालकनी भी कनेक्टेड आ जाएगी. सो बालकनी का स्पेस इज वेरी वेरी गुड. बहुत ह्यूज स्पेस मिल रहा है बालकनी में जहाँ पे आप अपना एक मिनी गार्डन बना सकते हैं. लुक एट द स्पेस गाइस. टैप्स वगैरह भी प्रोवाइडेड रहेंगे तो अपना वॉशिंग वगैरह का एक्टिविटी अगर यहाँ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. या फिर अगर आप मिनी गार्डन यहाँ पे बनाते हैं तो वाटरिंग के लिए एक अच्छी फैसिलिटी आपको मिल जाती है. उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज रेलिंग की बात करूँ तो वो टफ एंड ग्लास आ जाएगा. काफ़ी सिक्योर्ड एंड काफ़ी सेफ रेलिंग रहेगा आपका, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो यहाँ से व्यू भी आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपकी बालकनी से. यही बालकनी आपके ड्राइंग एरिया के साथ भी कनेक्टेड रहेगी. सो गाइज ये था हमारा सेकंड बेडरूम. अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट बेडरूम में. सो यहाँ आ जाएगा हमारा नेक्स्ट बेडरूम. सो लुक एट द साइज फर्स्ट.
आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्पेशियस बेडरूम है, काफी बड़ा बेड आपका सेंटर में लगा हुआ है, देन उसके बाद भी आपके पास स्पेस बच जाता है साइड में वॉक करने के लिए, साइड टेबल्स रखने के लिए, सामने आपका एलईडी के लिए स्पेस आ जाएगा। वॉशरूम आपका अगेन फुली इक्विप्ड वॉशरूम आपका रहने वाला है, पार्टीशन सीट आ जाएगा आपका, यहाँ पे बेसिन देख सकते हैं, एंड देन आपका वैनिटी गीजर एग्जॉस्ट आपको विद द परचेज प्रोवाइड किया जाएगा, एंड देन इसी के साथ आपका कनेक्टेड बालकनी भी आ जाएगा। सो ये बालकनी भी गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिलने वाली है। अगेन ये भी आपके थर्ड बेडरूम, आपके फोर्थ बेडरूम एंड फॉलोइंग टू दिस साइड आपके मास्टर बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी। एज यू कैन सी हाउ ह्यूज इट इज़, आप स्पेस देख सकते हैं। एंड दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे आपके जितने भी फ्लैट्स रहने वाले हैं वो आपके कॉर्नर फ्लैट्स रहने वाले हैं, तो आपको वेंटिलेशन वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही आपको इतनी बड़ी बालकनीज भी मिल रही हैं जिनमें आप अंदर ही वॉक भी कर सकते हैं। इस एरिया को भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये आपका मास्टर बेडरूम का डोर रहेगा। रेलिंग की अगर मैं बात करूँगी तो वो भी आपकी काफ़ी अच्छी हाइट के साथ आ जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेलिंग रहेगी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो आप फ्लोरिंग यहाँ पे देख रहे हैं वो सारा आपका एंटीस्किड रहने वाला है। सो आफ्टर बालकनी अब इस साइड आ जाएंगे आपके कबर्ड्स, जो आपको एज इट इज इसी फ्रेमवर्क में मिलेंगे, इसी डिज़ाइन में मिलेंगे, कुछ इस तरीके का लेआउट आ जाएगा। डोर आपके विद मिरर रहेंगे, देन आपका इस साइड भी स्पेस रहेगा, उस साइड भी सेम रहने वाला है। और डिज़ाइन की बात करूंगी तो वॉल्स जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही सेम आपका फ्रेमवर्क के साथ रहेंगी, जो आप वाइट देख रहे हैं सेम कलर रहेगा आपका। फ्लोरिंग आपकी एज इट इज़ रहेगी, ऊपर ये जो आप लाइटिंग देख रहे हैं आपका फॉल सीलिंग, ये भी आपका सारा एज इट इज़ रहेगा। सो दिस वॉज आवर थर्ड बेडरूम। अब आपका जो लिविंग एरिया है उसके ठीक साथ में ही यहाँ पे आ जाएगा हमारा फोर्थ बेडरूम एंड योर मास्टर बेडरूम। पहले फोर्थ बेडरूम देख लेते हैं हम अपना। फर्स्ट लुक एट द साइज गाइज, इसमें आपको इतना स्पेस मिल रहा है कि बेड के अलावा आप वहाँ पे दो चेयर्स रख सकते हैं, या फिर काउच एड ऑन करना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। सामने वाली वॉल पे आपका एलईडी पैनल के लिए स्पेस आ जाएगा, इसके साथ भी आपका बालकनी अटैच रहेगा, जो अभी रीसेंट बालकनी मैंने आपको चेकआउट कराया था। ऊपर लाइटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे फॉल सीलिंग देख सकते हैं, सारी एज इट इज रहेगी। एक और चीज बताना चाहूंगी गाइस कि पूरे ही घर में जो फायर सेफ्टी सिस्टम है वो आपका लगा हुआ है, स्प्रिंकलर्स आप हर जगह देख सकते हैं, तो इन केस कोई भी मिसहैपनिंग घर पे होती है तो आपकी सेफ्टी यहाँ पे पूरी आपको मिलेगी। देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम, काफी बड़ा साइज, काफी ह्यूज आपका ये वॉशरूम रहने वाला है, जिसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे आपके कबर्ड्स आ जाएंगे एज यू कैन सी, एंड इस साइड जो आपका कबर्ड रहेगा वो विद मिरर डोर रहेगा जैसे कि आप देख सकते हैं। देन इस साइड आ जाएगा आपका बेसिन, लुकिंग मिरर, आपका वैनिटी, पार्टीशन, सीट आप देख सकते हैं, एग्जॉस्ट गीजर आपको विद द परचेज मिल जाएगा। मतलब ये सारा वॉशरूम जैसे आप देख रहे हैं एज इट इज आपका वैसा ही रहेगा, सेम टाइलिंग जो आप देख रहे हैं, फ्लोरिंग एज इट इज ऐसा रहेगा। सो दिस वॉज आवर फोर्थ बेडरूम। अब इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिफ्थ बेडरूम, विच इज योर मास्टर बेडरूम। लुक एट द साइज फर्स्ट, आपका बेड इंस्टॉल करने के बाद भी यहाँ पे इतना स्पेस बच जाता है, आप चेयर्स रख सकते हैं, काउच रख सकते हैं, सोफा रख सकते हैं, रूम के अंदर सिटिंग के लिए स्पेसेस बना सकते हैं। सामने वाली वॉल पे एलईडी के लिए स्पेस आ जाता है। बाकी रूम्स के मुकाबले ये जो रूम है आपका ये काफी बड़ा है। इसमें आपका जो फ्लोरिंग रहने वाला है वो वुडन फ्लोरिंग रहने वाला है, यहाँ पे साउंड से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। ऊपर जो आप लाइटिंग देख रहे हैं फॉल सीलिंग एज इट इज रहेगा। इसकी बालकनी यहाँ से कनेक्टेड, जो मैंने आपको अभी रिसेंट बालकनी जो आपके थर्ड बेडरूम से दिखाई थी सेम वही है। एंड देन इसमें जो आपका ड्रेसिंग एरिया है एंड जो वॉशरूम है वो बिल्कुल सेपरेट रहने वाला है। तो आइए रूम के साथ साथ यहाँ पे भी आपका जो फ्लोरिंग है वो आपका वुडन फ्लोरिंग है। इस साइड आपका ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा, मिरर है आपका काफी बड़ा, इस साइड आपके कबर्ड्स रहेंगे, बीच में आप स्पेस देख सकते हैं, लेआउट काफी अच्छा है कबर्ड्स का। एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम। तो वॉशरूम में यहाँ पे सबसे पहले बेसिन आ गया आपका, आपका लुकिंग मिरर, यहाँ पे आ जाएगा आपका पार्टीशन, बाथिंग सेक्शन के लिए सीट रहेगी आपकी, इसमें भी आपका गीजर एग्जॉस्ट विद द परचेज आपको मिल जाएगा। टाइलिंग आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ऐड करी है, सेम एज इट इज आपकी रहने वाली है, फ्लोरिंग सारी एंटीस्किड होगी। सो गाइज विद दिस रूम हमारा आज का इस 5 BHK का टूर कंप्लीट होता है। पूरी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ आपको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, बाय द नेम मार्बेला ट्विन टावर, जो आपका लोकेटेड है न्यू चंडीगढ़ में इन सेक्टर 2, मतलब कि न्यू चंडीगढ़ के फर्स्ट एड्रेस पे हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है।
आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, आपको हमारा सैंपल फ्लैट कैसा लगा, बहुत सारी चीज़ें आपको विद द परचेज मिलेंगी एंड जो आपका फाइनल अमाउंट रहेगा उसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो एड ऑन नहीं होगा, सारी चीज़ें उसी में इंक्लूड रहेंगी आपकी जो भी चीज़ मैंने आपको दिखाई है। फुली लोडेड अपार्टमेंट रहने वाला है आपका। अगर अम्यूनिटीज़ की बात करूँगी तो कमर्शियल भी प्रोजेक्ट के साथ में ही है, क्लब हाउस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ग्रीन स्पेसेस आपके काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन रहेंगे, तो पूरा आपका प्रीमियम प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, आप कमेंट सेक्शन में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपके क्या रिव्यूज़ हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप इसको विजिट करना चाहते हैं, खुद टूर करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा होगा, यू कैन कॉल अस, आवर सेल्स टीम विल असिस्ट यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।